हेलो क्लास, वेलकम बैक। कैसे हो सभी? ठीक ठाक। चलो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये टॉपिक बहुत इजी है वैसे तो उनके लिए जिनको जर्नल आता है, और जिनको जर्नल नहीं आता है वो लोग इस टॉपिक को शुरू करने से पहले घर जाके दोबारा जर्नल प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। और ये जो लाइन मैंने आज बोली है ना, ये लाइन मैं हर चैप्टर में बोलने वाला हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा जब हमने जर्नल पढ़ा था तो मैंने बोला भी था कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है अकाउंटेंसी के अंदर जिसके अंदर जर्नल की ज़रूरत ना पड़े। इवन थियोरी के भी जो चैप्टर होंगे ना उसके अंदर भी जर्नल एंट्री कहीं ना कहीं मैं बात ज़रूर करने वाला हूँ। समझ आ रही है मेरी बात? चलो आज के चैप्टर का नाम है कैश बुक। हम करेंगे उसकी पहली क्लास। आओ। हाँ जी, इन दोनों में फर्क क्या है? जब आप लोग छोटे थे तो आप लोग भी एक ही कॉपी बनाते थे। कौन सी, क्या नाम देते थे इसे? 3-in-1, ये वाली कॉपी। और इसी कॉपी के अंदर सारे सब्जेक्ट कर देते थे। पर जब आप लोग बड़े हो गए तो आपने हर सब्जेक्ट की कॉपी अलग अलग कर दी। ऐसा क्यों होता था पहले ही बताओ, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा था कि अगर मैं एक ही कॉपी के अंदर सब कुछ करता जाऊं तो मुझे इसके अंदर चीजों का ट्रैक रखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ या ना, कि मैंने कौन से पेज पर क्या लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए उस कंफ्यूजन को कम करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स की जो नोटबुक है वो अलग अलग कर दी गई। अब बात ये देखनी है कि ये जो मैं आपको यहाँ जो समझा रहा हूँ ये हमारे बिजनेस में कैसे अप्लाई होता है। देखो, जब हमारा बिजनेस कैसा होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, जर्नल और लेजर। पर जब हमारे बिजनेस का साइज कैसा होता है, बड़ा, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो फिर हम लोग पता है क्या करते हैं, लेजर की जगह पर तो लेजर ही बनेगा पर जर्नल की जगह पर क्या बनता है, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का दूसरा नाम स्पेशल पर्पस और तीसरा नाम हेल्प बुक्स भी इनको बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, सुनो, देखो टोटल कितनी है इसकी जगह पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन 6 ने किसको रिप्लेस किया है, जर्नल की जगह पर ये 6 बुक्स बनती हैं। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, सुनो। अच्छा, इन्हें कौन सी वाली को, पहली 5 को क्या बोला जाता है, स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल क्यों कहते हैं बताऊंगा अभी। और इसे क्या बोला जाता है, जनरल जर्नल। ऐसा क्यों है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 इनके अंदर वही ट्रांजैक्शन लिखा जाता है जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है। इसके अंदर क्या लिखा जाता होगा, ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन। इसके अंदर क्या लिखा जाता होगा, ऑल परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन। इसके अंदर ऑल सेल रिलेटेड। इसके अंदर परचेज रिटर्न रिलेटेड। इसके अंदर सेल्स। इसके अंदर बचा कुचा इसका नाम है क्या, अनाथ आश्रम। आप लोग ये लिखना मत, नंबर कट जाएंगे, ठीक है? हाँ, तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन 5 को स्पेशल, क्योंकि इनके अंदर वही लिखा जाएगा जैसा इनके नाम से पता चल रहा है, पर इसके अंदर लिखी जाती है बची हुई कुछ चीजें, इसीलिए क्या बोला जाता है, जनरल, जनरल जर्नल। क्लियर है मेरी बात? आओ जरा आगे बढ़ते हैं, सुनो। हाँ जी, लाइक सेपरेट नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट। अब सुनो जरा, रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक्स इज इक्वलेंट टू रिकॉर्डिंग अ, मतलब अगर मैं कोई चीज इनके अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप लोगों को कैसा लगना चाहिए, बिल्कुल वैसा लगना चाहिए जैसा जर्नल में रिकॉर्ड करते टाइम पर लगता था।
बात समझ आ रही है? इनके अंदर रिकॉर्ड करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जब भी आप इनके अंदर रिकॉर्ड करोगे तो आपके दिल और दिमाग से क्या आवाज़ आनी चाहिए? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जर्नल कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगना चाहिए। बात समझ आ रही है? बढ़ते हैं आगे। अब हमें ये देखना है कि इनमें से किस बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आओ। हाँ जी, इसके अंदर देखो क्या रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शन, पैसे आने वाले या पैसे जाने वाले। कैश में तो पैसा आ भी सकता है, पैसा जा भी सकता है, दोनों, पैसे आने वाले ट्रांजैक्शन भी और पैसे जाने वाले ट्रांजैक्शन। बताना जरा मुझे, मैंने माल खरीदा, गुड्स, कैश में, इसके अंदर आएगा या इसके अंदर आएगा? कैश बुक में आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर आते हैं ऑल, इसके अंदर देखो क्या आता है, शब्द को पकड़ना, क्रेडिट। क्रेडिट में खरीदा हो और वो भी माल खरीदा हो, ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट है, उधार पे खरीदा हो और माल खरीदा, तो इसके अंदर लिखा जाएगा। इसके अंदर उधार पर बेचा हो और वो भी माल बेचा हो, तो इसके अंदर लिखा जाएगा। क्लियर है बात? इसके अंदर कब लिखा जाएगा? जब भी इसका रिटर्न होगा और जब भी इनका रिटर्न होगा। और इसके अंदर क्या लिखा जाएगा? ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, जो इनमें से किसी बुक में नहीं आ सकते वो इसके अंदर आते हैं, इसीलिए उसका नाम अनाथ आश्रम मैंने बोला था। कैसा वेजेस? वेजेस पेड या वेजेस आउटस्टैंडिंग? वेजेस पेड, तो उसमें तो कैश आ रहा है, सुन तो ले, वेजेस पेड में तो कैश आ रहा है, एंट्री हो रही है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वो इसके अंदर लिखा जाएगा। अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वो इसके अंदर लिखा जाएगा। कुछ एग्जांपल ट्राई करें, बताओ। हाँ जी, विड्रू फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज, बताओ कहाँ लिखेंगे? इसके अंदर लिखा जाएगा। बताओ, मैंने एक एसी खरीदा क्रेडिट पर, नहीं, एसी मेरे लिए गुड्स है क्या? बच्चे कह रहे इसके अंदर, इसके अंदर नहीं आएगा। अगर आपने माल खरीदा है क्रेडिट पे तो इसके अंदर लिखेंगे, तो एसी खरीदा क्रेडिट पे इधर आएगा, और अगर एसी खरीदा कैश में तो कैश बुक में। अगर एसी को बेचा कैश में कि क्रेडिट में? कैश में तो इधर, क्रेडिट में है तो इधर। और पूछ, बोलो बोलो। अच्छा सोचो सोचो, मैंने माल बेचा कैश में, ठीक है, मैंने माल बेचा, और अगर उसी माल का सेल्स रिटर्न हो तो? ना 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 ना, यहाँ कैश ही तो वापस होगा, नहीं समझे? मैंने माल बेचा कैश में, मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, उसी माल का रिटर्न हो गया, वापस आ गया, तो पैसे देने पड़ेंगे, तो इसी के अंदर ही तो लिखोगे। समझ आ रहा है? गधे हो तुम लोग बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बता दो, क्या ऐसा कंपलसरी है कि ये सारी बनानी पड़ती हैं? बोलो, क्या ऐसा हो सकता है एक दो तीन और ये बना लूँ, मैं ये ना बनाना चाहूँ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। अबे ये तो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि मुझे कौन सी बनानी है कौन सी नहीं बनानी है। अगर मेरे बिजनेस में 6 की 6 ज़रूरत है तो बनाऊंगा, 4 की ज़रूरत है तो 4 बनाऊंगा, 3 की ज़रूरत हो तो 3 बनाऊंगा, और ज़रूरत नहीं है तो मैं सीधा जर्नल बनाऊंगा, मैं एक भी नहीं बनाऊंगा। नहीं समझ आई? अबे तुम खुद दिमाग लगाओ, किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन किस चीज़ के होते होंगे? दिमाग लगाओ, सबसे ज़्यादा कैश के होते हैं, खुद लगाओ दिमाग। उसके अलावा और किस चीज़ के ट्रांजेक्शन होते होंगे? परचेज के बहुत सारे होते हैं, परचेज, डेली माल आता है, अलग बना दी। उसके अलावा सेल्स के, सबसे ज़्यादा सेल्स के होते हैं, समझ रहे हो? तो एक और बना दी। इनके अगर हैं तो बना लो, नहीं है तो मत बनाओ। गॉट इट? आओ आगे बढ़ते हैं। अब एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी बुक के अंदर कौन सी बुक यूज़ करते हैं हम लोग?
डी के गोयल। इस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 9 किस चीज का था? जर्नल का। चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 1। आपको बुक में ऐसे पार्ट अलग से नजर नहीं आएगा, मैं बताऊंगा कहां एक पार्ट और कहां है दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट पता है क्या बताता था? छोटे बिजनेस का लेजर कैसे बनता है। अब सुनो, चैप्टर नंबर 11 क्या सिखाएगा और चैप्टर नंबर 12 क्या सिखाएगा, एक के अंदर ही है सारी की सारी। और चैप्टर नंबर 13 का पार्ट ये क्या सिखाएगा? लेजर किसका? बड़े बिजनेस का, कैसे बनता है। क्लियर है मेरी बात? आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या सारी बुक एक साथ सीख लें? बताओ। जैसे हमने पहले क्या सीखा था, फिर हमने उसका लेजर कवर किया, अब हम लोग पहले क्या सीखेंगे इनमें से? सबसे पहले कैश बुक सीखेंगे। इसके अंदर लगेंगी 6 क्लासेस तकरीबन और इनके ऊपर लगेंगी 3 क्लासेस, कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? बड़े बिजनेस का लेजर कैसे बनता है। ठीक है, आओ मेरे साथ। कैश बुक, सबसे पहले कैश बुक का परफॉर्मा चेक करो, देखो कैसे बनता है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर 2 कॉलम और होते हैं छोटे छोटे से, टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा किस चीज़ के हैं। अभी आप इसे नॉर्मली सोचो बस। क्या मैं कह सकता हूँ इसका मैंने पहले भी देखा है ये परफॉर्मा कहीं? हाँ, ये परफॉर्मा बिल्कुल किससे मिलता है? छोटे बिजनेस के लेजर से मिलता है। देख लो तुम, ये भी किस शेप में होता था? तो ये भी तो टी शेप में ही बनी हुई है। हाँ या ना, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है। क्या हम अब इसके ऊपर काम कर सकते हैं? हाँ, देखो जरा। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताओ, पहले जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ये सब क्या है? स्मॉल बिजनेस के ट्रांजैक्शन। अबे जर्नल नहीं, ट्रांजैक्शन दादा। देखो ट्रांजैक्शन ही तो लिखे हैं, बताओ ये ट्रांजैक्शन सारे कहाँ लिखे जाएंगे? जर्नल के अंदर। पर अगर हमारा बिजनेस लार्ज है तो बताओ कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ लिखा जाएगा? इनको नंबर दे दें, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब बताओ कौन सा ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में लिखा जाएगा? रिया बताएगी। इसके अंदर ट्रांजैक्शन नंबर 1। हाँ, तुमने ही बोलना है बेटे, थोड़ा जल्दी बताएंगे। सेकेंड वाला परचेज बुक में, इसके अंदर ही आएगा। हाँ, आवाज नहीं निकल रही है। थर्ड वाला इसके अंदर। हाँ, फोर्थ वाला इसके अंदर। हाँ, जल्दी। फिफ्थ वाला इसके अंदर। हाँ, सिक्स्थ वाला इसके अंदर। हाँ, सेल्स बुक के अंदर, ठीक है। एट्थ वाला कैश बुक के अंदर। सारे आते हैं इस नालायक के ऊपर, जान के हमारा टेस्ट कर रही है। हाँ, नाइन्थ वाला कौन सा? चेक करो, ढंग से चेक करो। सेल्स बुक में माल बेचा है क्या? गुड्स बिक रहे, ये इसके अंदर आएगा। कौन सा? 9। और 10th वाला? 10th वाला अवनीत लो तो ले, अब कह रहा दिख नहीं रहा। हाँ, जर्नल प्रॉपर के अंदर आएगा 10th वाला। और 11th वाला ये भी जर्नल प्रॉपर के अंदर आएगा। 5th वाला कौन सा था? बॉट गुड्स फ्रॉम देव। 5th वाला क्यों बेटे? अच्छा, ये मशीन खरीदी है, सॉरी सॉरी सॉरी, मशीन है ना,
हाँ तो ये वाला इसके अंदर ही आएगा, यू आर राइट। कहानी क्लियर हुई? ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि कौन सी बुक में क्या लिखा जाता है। अब हमें बस ये समझना है कि कौन सी बुक में कैसे लिखा जाता है, आया ना? आओ ज़रा देखते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को क्या सिखाने जा रहा हूँ, आज कैश बुक सिखाने जा रहा हूँ। आओ ज़रा, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं, आप लोग मेरी मदद करेंगे। और बेटे करेगा वही बच्चा जिसको जर्नल एंट्री आती है, जिसको जर्नल एंट्री नहीं आती वो मंदिर जाना शुरू कर दे। चलो ज़रा, पहली जर्नल एंट्री अगर ये लिखे तो कैसे लिखेगा? अबे बोलो, एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डेबिट टू 20,000, हाँ या ना? पक्का? अच्छा, इसकी लेजर पोस्टिंग ज़रा मुझे बताओ। यहाँ लिखते हैं, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कंटेंट बहुत छोटा छोटा है। बताइए ज़रा, हाँ जी, एक मिनट रुकना ज़रा। हाँ जी, एंट्री आपने बताई, एंट्री यही बताई थी। चलो गौरांश, इसकी पोस्टिंग बताओ ज़रा, कौन से लेजर में होगी? यहाँ नंबर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? इसमें लिखेंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल, और बाय बाय कैश 20,000, ठीक है ना? अच्छा, बड़ा बिजनेस इसे कौन सी बुक में लिखेगा? कैश बुक में लिखेगा। बताओ कैसे लिखेगा? ट्रांजैक्शन नंबर वन इसके अंदर, इसका परफॉर्मा ऐसा होता है, कैसे लिखेंगे? इसके अंदर आपने यहाँ पर लिखना है ट्रांजैक्शन का डेट, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है टू टू कैपिटल अकाउंट कितना, और यहाँ लेजर्स में आ जाओ, लेजर्स में बताओ कैसे लिखेंगे? इसके अंदर, इसके अंदर नहीं लिखना है, रीजन सोचो, क्योंकि जब आपने क्या बना रखी है तो आपको क्या नहीं बनाना है इसका कोई, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम ही तो है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो जब भी क्या बनाई जाती है तो कौन क्या नहीं बनाया जाता, कैश अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते हैं, पर कैपिटल का तो बनेगा, कैपिटल में लिखेंगे बाय बाय कैश कितना, 20,000। अगला ट्रांजैक्शन, मशीन खरीदी 2,000 रुपये की, एंट्री डलेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू 2,000। इसकी पोस्टिंग कराओ, मशीन में लिखेंगे टू कैश, और कैश में लिखेंगे बाय मशीन। अच्छा, ये वाला बिजनेस कहाँ लिखेगा? कैश बुक में लिखेगा। बताओ कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेगा इस तरफ बाय बाय मशीन 2,000, और मशीन के लेजर में टू कैश 2,000। क्लियर है? अगला ट्रांजैक्शन, 5,000 रुपये का माल खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी पोस्टिंग परचेज में टू कैश, और कैश में बाय परचेज। गौरांश बताओ कैसे लिखेंगे कैश बुक के अंदर, इसके अंदर कैसे लिखेंगे? इसके अंदर बिल्कुल ठीक, इसके अंदर लिखेंगे बाय बाय परचेज 5,000, और परचेज के लेजर में, शाबाश यार, ये तो सुधर गया लड़का हमारा, कितना 5,000। क्लियर है? अगला ट्रांजैक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम,
8,000। पोस्टिंग कराओ, परचेज में लिखेंगे टू राम, और राम में लिखेंगे बाय परचेज। अच्छा, इसके अंदर कैसे लिखेंगे? पहले तो बताओ बुक कौन सी रहेगी हमारी। हाँ, परचेज बुक के अंदर लिखा जाएगा। इसके अंदर कैसे लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे ही नहीं। अभी तो तुमने बोला कौन सी बुक में जाएगा, पर पोस्टिंग तो जाएगी। बताओ, परचेज में लिख देंगे टू राम 8,000, और राम में लिख देंगे बाय परचेज 8,000। क्लियर है? अगला ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000। हाँ, सॉरी, अगर हम परचेज बुक बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर परचेज अकाउंट क्यों बनाया, उसका रीज़न मैं बाद में बताऊँगा। अभी हम लोग जो बुक सीख रहे हैं, अभी हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर ही कर सकते हैं। वो आपको बाद में समझ आ जाएगा कि 1, 2, 3, 4 और 1, 5 ये बुक्स ऐसी हैं, अगर आप इन्हें बनाओगे तो भी इनका लेजर बनता है। पर कैश बुक ऐसी है, अगर आप इसे बनाओगे तो इसका लेजर नहीं बनता है। ठीक है, ये समझ आ जाएगा, चिंता ना करो। चलो, ये वाला, इसकी पोस्टिंग कराओ। इसमें लिखेंगे टू सेल्स 4,000, और सेल्स में लिखेंगे बाय कैश। और इसके अंदर कौन सी बुक, इसके अंदर ही आएगा पांचवा ट्रांजैक्शन। हाँ, कितना, और सेल्स के लेजर में बाय कैश 4,000। पक्का, कोई दिक्कत नहीं? अभी पहले यहाँ तक चेक करो एक बार, आराम से चेक करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। टेक योर टाइम, 1 मिनट 2 मिनट जब हो जाए तब बताना। आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा अकाउंट नहीं है, कैश अकाउंट नहीं है, क्योंकि हमने कैश बुक मेंटेन की है तो कैश अकाउंट नहीं बनता है। अगर आप लोग सेटिस्फाइड हैं तो मैं आगे चल सकता हूँ। अब आप लोग ज़रा याद करो, मैंने इसके बारे में कुछ आपको बात बताई थी कि इसका जो लेजर होता है, इसके अंदर 3 तरह के लेजर होते हैं, पर्सनल, रियल और इनकी बैलेंसिंग होती है। इनकी बैलेंसिंग होती है पर इनकी क्लोजिंग होती है, याद है, बताया था। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है कि ये वाला रियल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, हाँ या ना? अब तुम मुझे बता दो इसकी बैलेंसिंग होगी कि नहीं, करवाना ज़रा बैलेंसिंग, कौन सी साइड बड़ी है। अच्छा, आपको पता है आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़नी पड़ती है खाली बैलेंसिंग करने के लिए, तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पर पहले इसका टोटल लिखवाओ। यहाँ पर आएगा 24,000, यहाँ आ गया, तो यहाँ लिखते हैं हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ रहा है, 17,000। हाँ या ना? कौन सा बैलेंस है ये? ये डेबिट बैलेंस है। क्या ये बैलेंस कभी यहाँ पर आ सकता है? लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, कभी भी नहीं आ सकता। रीजन, अबे जितने हमारे जेब में पैसा है हम उससे ज्यादा कभी खर्च नहीं कर सकते। ये हमारे पॉकेट में पड़ा हुआ पैसा है और ये हमारे पॉकेट में से निकला हुआ पैसा है, तो तुम्हारे पॉकेट से कभी उससे ज्यादा नहीं निकल सकता जितना तुम्हारे पॉकेट में है। इसीलिए हमेशा कैश का बैलेंस डेबिट। बात समझ है? अब सुनो जरा, जिस तरह से स्मॉल बिजनेस का कौन सा अकाउंट, इसकी हम क्या करते हैं, वैसे ही
बड़े बिजनेस की कैश बुक भी क्या की जाएगी? क्योंकि क्योंकि कैश बुक इज लाइक कैश अकाउंट, हाँ या ना? जो आपकी कैश बुक है वो बिल्कुल कैश अकाउंट के जैसी है, बिल्कुल सेम। तो जैसे हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं वैसे हम इसकी भी बैलेंसिंग करेंगे। बात समझ आई है? तो देखो हम लोग वो कैसे करेंगे, आओ चेक कर लो। सॉरी नहीं, ये नॉमिनल है, गलती से लिख दिया मैंने, ये नॉमिनल ही आएगा, यू आर राइट। हाँ जी देख लो बैलेंसिंग का तरीका। अब तुम कहोगे यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखनी है महीने की लास्ट डेट, जिस दिन हम बैलेंसिंग कर रहे हैं वो डेट लिखनी है बेसिकली आपको। किसी का कोई डाउट है इसमें तो बताओ पहले। नहीं पक्का? जरा ये बताओगे, वन मार्कर क्वेश्चन। हाँ कैश अकाउंट इज नॉट मेंटेन। एक और, कैश कॉलम ऑफ, हाँ इसका बैलेंस कह रहा है, ये वाला बैलेंस कभी भी यहां नहीं आ सकता। रीजन मांग रहा है, बिकॉज वी कैन नॉट पे मोर देन व्हाट वी हैव। हाँ या ना पक्का? बड़े आगे आओ जरा, ये हमारी बुक का पहला क्वेश्चन है और आप लोगों को इनके बेस पर क्या बनाना है, कैश बुक। हालांकि सब्सिडियरी बुक कितनी होती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल। अभी आपको खाली कैश बुक बनानी है बस, ठीक है? आप लोग कैश बुक बनाएंगे कैसे, चलो जरा पहला ट्रांजेक्शन। इसके पहले आपको जर्नल एंट्री सोचनी तो पड़ेगी, जर्नल एंट्री लिखनी नहीं है, सोचनी पड़ेगी। सोचो इसकी जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू, और क्योंकि एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट है तो इस तरफ लिखा जाएगा, हाँ या ना? या इधर लिखा जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा, ठीक है? चलो जरा देखते हैं, 1/5/16 क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है 25,000। अगला गौरांश, गौरांश बताएगा, ये तो एंट्री बता रहे तुम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और एंट्री में कैश क्रेडिट है, तो इधर आ जाओ, 3/5/16 बाय परचेज अकाउंट कितना 15,000। ध्यान रखना हम लोग ये बना रहे हैं। हाँ अवनीत, अरे ना लायक बताओ तुम, बाय डेट तो सेम है, बाय कैरेज कितना 200। रिया अगला, तुम्हारा नाम रिया है अवनीत? भगवान मुझे उठा ले। बताओ समर्थ, पहले इसकी जर्नल एंट्री सोचो जरा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यार एंट्री में कैश डेबिट है तो इधर लिखेंगे, उधर क्यों लिखेंगे? 4/5/16 टू सेल्स अकाउंट कितना 6,000। हद कर दी तुमने, बताओ। एरन बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो इधर ही लिखेंगे, कितना 1,000, सही है ना? प्रियांशु बाय शिव कुमार, शाबाश, बाय शिव कुमार कितना? अवनीत ये तो रुक ही नहीं रहे, अवनीत नालायक लग रहा है, पेट्रोल पी के आया आज। हाँ क्या लिखेंगे, टू सेल्स बिल, ठीक है। अमाउंट कितना है दोस्त, 8,500। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मानसी बहुत आराम में बैठे हो, बताओ
पहले जर्नल एंट्री बताओ। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कौन सी साइड, पहले साइड डिसाइड करो, वो वाली, क्योंकि कैश क्रेडिट है। डेट क्या है? 18/5/16 बाय फर्नीचर अकाउंट कितना है? 5000। अगला, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट बाय एडवर्टीजमेंट कितना? 20/5/16 बाय एडवर्टीजमेंट 500। निपुण अगला, निपुण फंसेगा, देखो तुम अभी फंसे। हैं? बिल्कुल, ये ट्रांजैक्शन नालायक कौन सी बुक का दे रहा है? और अपन लोग क्या कर रहे हैं? तो इसके लिए नीचे लिख देना जानकारी, बोल देना हमें पता है, बोल देना तू पागल है, तेरे को अक्ल नहीं है, तू अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता है क्वेश्चन, और हमें पता है कि तू हमसे मांग क्या रहा है और तू हमें दे क्या रहा है, परचेज का ट्रांजैक्शन, तो हट, हम नीचे लिख देंगे। नीचे ना ऐसे लिख देना कि तेरे को अक्ल नहीं है गधे, हमसे मांग रहा है कैश बुक और हमें ट्रांजैक्शन दे रहा है परचेज बुक का, इसीलिए हम इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड, ऐसे मत लिखना, लिख देना कि भैया 20 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज बुक में लिखा जाएगा यहाँ पर नहीं। समझ आई? दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, बस इतना लिखना है नोट, बस छोटा सा एक। कुछ बच्चों की हैबिट है वो इस नोट को इग्नोर करते हैं। नोट लिखने से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके कोई नंबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, नोट लिखने से ये पता चलता है कि आप लोगों को चीज़ों की जानकारी है। समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। पेड टू महेश बाय महेश, अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, आगे बढ़ो, बाय वेजेस अमाउंट आ जाएगा, टू कमीशन अमाउंट इधर, विड्रू फॉर पर्सनल यू, पहले सोच लो, एंट्री एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ पर बाय ड्रॉइंग्स और अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, पेड सैलरी बाय सैलरी, अमाउंट यहाँ आ गया। क्लियर है? पक्का? कोई टेंशन नहीं। सुनो, अब हमें इसकी बैलेंसिंग करनी होगी, हाँ या ना? अब मेरी एक बात को पहले ना, सारे ऐसे अपना हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, पहले शपथ खाओ जो मैं कह रहा हूँ ना वही करना है, पक्का ना? अभी मैं कैमरा नहीं घुमा सकता वरना एक एविडेंस भी बन जाता। कैसे करना है सुन लो, हाथ ऐसे रखना, ठीक है? अच्छा एक बात बता दो मुझे, जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो क्या मुझे खाली इसका टोटल करना पड़ता है या इनका भी टोटल करना पड़ता है? दोनों का टोटल करना पड़ता है, हाँ या ना? अच्छा क्या मैं दोनों का टोटल साइड में रफ में लिखता हूँ, हाँ या ना? दोनों का टोटल साइड में लिखना पड़ता है ना? अगर कुछ ऐसा ही हो कि इसके अंदर ही लिख दूँ तो वो जो आपने काम किया वो काम यूज भी हो जाएगी, मेहनत, हाँ या ना? हाथ नीचे कर लिया नालायकों ने, चल कर लो। सुन लो अब आपको कैसे करना है, सुनो, सबसे पहले देखो किस साइड आइटम ज़्यादा लिखे हुए हैं, उस साइड आइटम ज़्यादा हैं तो आपने एक लाइन यहाँ पर खाली छोड़नी है पहले, सबसे पहले तो, ठीक है ना? एक लाइन बिल्कुल खाली छोड़ दो। तो अगर मैं एक लाइन खाली छोड़ दूँ तो इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब ये ऊपर खाली लाइन हो गई। अच्छा जो आपने वहाँ लाइन डाली उसके बिल्कुल सामने एक लाइन इसमें भी डाल दो, दोनों लाइनें आमने सामने आ गई। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, सोचो ये क्या है, यहाँ हम कब लिखते हैं, जब बिजनेस में पैसा आता है, इसीलिए इसको नाम देना है टोटल रिसिट, और इसे क्या नाम दूँ, टोटल पेमेंट्स, टोटल रिसिट और टोटल पेमेंट्स। अब इनका टोटल कर लो, सोचो इनका टोटल देखो जरा कितना आ रहा है, 25, 31, 32 कर भी लिया तूने, कितना, 41,900। अगर ये गलत हुआ तो कैमरा तेरी तरफ घुमा देंगे हम, ठीक है? ये आ गया डेबिट का टोटल, ये वही टोटल है जो तुम लोग यहाँ रफ में लिखते थे, अभी रफ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यही लिख दिया। अब ज़रा इसमें आना, बता बता बता, अब चुप हो गया, 10,000
प्लस 200, 2600, 5000, 500, 4000, 400, 2200, ये बेटे आ गया 25000। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई, क्या कि कौन सी साइड बड़ी है, हाँ या ना। अब आपको क्या करना है, अब आपने फिर से एक लाइन छोड़नी है, क्योंकि अभी हम बैलेंसिंग करेंगे, तो एक लाइन छोड़कर बिल्कुल इसके सामने, बताओ अब क्या करूं, जो बड़ा अमाउंट है ये वाला बड़ा है, इसे यहां पर लिख दो, और इसे, और इसमें से इसे माइनस करके यहां पर डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा कितना, 12300। क्या बात कर दी, 16300। कितना आ रहा है ये, 16300। यहां पर लिखेंगे आप बाय बैलेंस, और यहां पर आ जाएगी लास्ट डेट जो है ना, महीने की लास्ट डेट 31 होती है लास्ट, तो 31/5/11 जो भी है हमारी, 16 लिख देना, 11/11 लिख देना। नहीं समझ आया, इस तरह से काम होना चाहिए। बताओ, चेक कर लो ढंग से, खूब अच्छे से। अगर मुझे बैलेंसिंग इस तरह से नहीं मिली, तो बैलेंसिंग है 2 मिनट की और ये है 10 मिनट का, मैंने सारा काट देना है। और खुद सोचो, जब आपने दोनों साइड के टोटल करने ही हैं, तो मैं रफ में क्यों करूंगा, मैं इसी के अंदर कर लूंगा ना, टोटल रिसिट टोटल पेमेंट, दोनों का डिफरेंस है बैलेंस। अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं, हाँ आओ जरा देखना है क्या लिखा है। डेबिट साइड इज ऑल्सो नोन एज रिसिट साइड, क्रेडिट साइड इज ऑल्सो नोन एज, हाँ कैश बुक इज टोटल एंड, ये क्या लिखी है लाइन, क्या कैश बुक टोटल और बैलेंस दोनों किया जाता है, बिल्कुल। देखो हमने इनको क्या किया, हमने इन्हें टोटल किया और ये हमने बैलेंस किया, सो कैश बुक इज ऑलवेज टोटल एंड बैलेंस, ठीक है।